नमस्कार दोस्तों, अगर आप जूट के बैग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको हम बताएंगे कि जूट के बैग का बिजनेस शुरू करना कितना उपयोगी है, कितना प्रॉफिट है इसमें और कितनी लागत इसमें लगती है। तो अगर आप भी अभी तक ये सोच रहे थे कि जूट का बैग का बिजनेस शुरू किया जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, ज़रूर दबाइए बेल आइकॉन का बटन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जूट के बैग का बिजनेस आखिर कितना ज़्यादा यूजफुल है। ये तो आप जानते ही होंगे कि जूट के बैग्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के बनते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ ह्यूज साइज़ के होते हैं। वैसे मेरे पास भी एक जूट का बैग है जिसमें मैं टिफ़िन लेके जाती हूँ, छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है और जूट के बैग देखने में अच्छे लगते हैं और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार रॉ मटेरियल कितना लगेगा और मशीनें कौन सी इस्तेमाल में आएंगी और साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा। ये बहुत ही सस्ता और ज़्यादा मुनाफे देने वाला बिज़नेस है। जूट का बिज़नेस का ज़्यादातर खर्च उसकी मशीनरी खरीदने में ही होता है, बाकी खर्च रॉ मटेरियल खरीदने में, मार्केटिंग करने के तरीके और तैयार माल को पहुंचाने में ही आता है। जूट का व्यापार 45,000 रुपए में शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास 45,000 रुपए ना हो तो आपको बता दें कि सरकार आपको मुद्रा लोन के जरिए कैश उपलब्ध करा सकती है। आपको ये लोन बिना किसी रिस्क के चार्ज पर मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। ये बिजनेस बाकी बिजनेस की तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसका सालाना खर्च 40,000 से 50,000 रुपए का ही होता है और मात्र इतने रुपए में आप हर साल 4 से 5 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इस बिज़नेस को आप एक बड़े लेवल पर ही शुरू करें। स्टार्टअप करने के लिए आप इस बिज़नेस को बहुत छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होगी। लगभग 100 से 150 गज के एरिया में भी आप अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं यदि आप पार्टनरशिप वाला बड़ा बिजनेस स्थापित करने का मन बना चुके हैं तो आपको कम से कम 500 गज से लेकर 1000 गज तक की जगह की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको इस बिजनेस के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद ट्रेड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, SSI यूनिट के आवेदन करना होगा। इसके अलावा यदि आप अपने जूट बैग को बनाकर अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको IEC कोड की ज़रूरत होगी। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते समय IEC कोड के लिए आवेदन ज़रूर कर दें। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की, यानी कि कच्चा माल कितना इस्तेमाल होगा। वैसे आपको ये बता दूं कि जूट का बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा खर्च सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल में आता है। जूट का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता कच्चे माल की पड़ती है। रॉ मटेरियल से आपको चाहिए होगा कपास का पट्टा, जूट के रेशे, फैब्रिक कलर, फैब्रिक रोल, ड्रास्टिंग आदि। अब बात करते हैं मशीनरी की। जूट बैग के उद्योग में सबसे ज़्यादा काम मशीनरी का होता है। बैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको कपड़े काटने की मशीन चाहिए, उसके बाद हैवी ड्यूटी सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है जिससे आसानी से जूट के कपड़े की सिलाई की जा सकती है। इसके लिए एक छोटी साधारण सिलाई की मशीन भी ज़रूरी होती है ताकि छोटी मोटी सिलाई का काम साधारण सिलाई की मशीन से किया जा सके। मुद्रण रंग पेंट के लिए स्टेंसिल उपकरण की आवश्यकता भी होती है ताकि उससे किसी भी प्रकार की डिज़ाइन जूट पर बनाया जा सके। लॉक स्टिच मशीनों की आवश्यकता भी जूट बैग बनाने के लिए सहायक होती है, क्योंकि उसमें जूट बैग की सिलाई लगाने के बाद उसमें लॉक लगाने की आवश्यकता होती है ताकि बाद में वो सिलाई खुल ना जाए और थैली फट ना जाए। व्यवसाय में हमें बुना बोरी बैग काटने की मशीन की भी आवश्यकता होगी। मशीनरी भाग में एक साइड सील मशीन का होना भी अनिवार्य है। भारी मशीनों के अलावा इसमें कुछ और उपकरणों की भी ज़रूरत है, जैसे कॉटेज स्टीमर, कटिंग टेबल, डाई पेस्ट स्टीरर, रबड़ वाइपर, कैंची, मापने के लिए इंच टेप आदि। अक्सर आप लोग मार्केटिंग कैसे करें इस बारे में पूछते हैं, तो आपको बता दें कि बिजनेस को विकसित करने के लिए उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के रूप में आप पैम्फलेट को छापकर दुकानदार को दें और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर उसका प्रचार भी करें। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप जूट का बिज़नेस शुरू करने के लिए सोच रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और दोस्तों, मैं जैसे लगातार कह रही हूँ और हर बार कहती हूँ कि ओके क्रेडिट लगातार कोशिश कर रहा है कि छोटे व्यवसायियों को आगे लाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, और ये कोशिश करने में हम बहुत ज़्यादा सक्षम हो पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ के कारण। तो ये साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। नमस्कार। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।